आया है जो ढाबा नाइस। सो गाइस चाय मैंने पी लिया है, चाय हो गया खत्म। और एक और बात बोलना चाहूंगा कि क्या मतलब बैक फायर मार रही है मेरी बाइक, घूम घूम कर रही है, टोस में आ गया था मैं। छपड़ी सो गाइस अभी सुबह के बज गए हैं समथिंग 4 बजने वाले हैं, देख लो ये 4 बज गए हैं, नेट वो भी नेट 4 बजे है, देख रहे हो। और अभी हम लोग निकल गए हैं, बहुत जल्दी निकल गए मॉर्निंग राइड पे। सो एक्चुअली मॉर्निंग राइड पे नहीं निकले, मतलब एक तरीके से हम लोग का राइड ही हो जाएगी, बट निकले कुछ काम से। और अभी जा रहे हैं यहाँ से मोतिहारी वाले NH पे, क्योंकि अभी मुझे निकलना है मोतिहारी को। प्लानिंग था मेरा 3 बजे निकलने का, बट क्या है ना कि लाइट है बाइक की, सो उतनी ज़्यादा पावरफुल है नहीं, तो हाईवे पे पहुँच जाते तो फिर प्रॉब्लम होता, इसलिए थोड़ा 1 घंटा मैंने डिले कर दिया। क्योंकि अब अगर मैं निकलूँगा भी तो समथिंग प्रॉपर हाईवे आते आते तक हल्का हल्का रोशनी हो ही जाएगा सुबह, इसके लिए 4 बजे निकला हूँ मैं। और ये सिकंदरपुर चौक है आ गया। अब यहाँ से मरीन ड्राइव वाला जो रास्ता है, सिकंदरपुर स्टेडियम है ये वाला, इस साइड वाला आगे को, और यहाँ से मरीन ड्राइव वाला वो रास्ता होते हुए डायरेक्ट हम लोग लक्ष्मी चौक बैरिया निकलते हुए हाईवे को टच करेंगे। सो गाइस यहाँ पे अभी आया है जो ढाबा नाइस। ये बार पहले मैंने यहाँ पे रुका है, बट अभी रुकते हैं जियो ढाबा पे और हो सके तो चाय पी लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। तो ये रहा जियो ढाबा, सही है। और ये अपनी बाइक देख लो भाई, चलो फिर पहले चाय एंजॉय करते हैं। सो गाइस चाय मैंने पी लिया है, चाय हो गया ख़त्म और पेमेंट कर दिया, अब चलते हैं आगे। और सामने में जो आप लोग साइन बोर्ड देख रहे हो ना, उसमें देखो कितना अच्छा सा मतलब इंडिकेशन दे रखा है इन्होंने। सबसे पहले तो इस पर लिखा हुआ है ड्राइव सेफ, पहला नंबर, ठीक है। मैं बाइक रोक कर आपको दिखाता हूँ, पहला है, उसके बाद ड्राइव सेफ, के बाद है बी अलर्ट, यानी कि ड्राइव सेफ करो और एनी टाइम चौकन्ने रहो, अलर्ट रहो, और इसलिए आपको हैप्पी जर्नी, नाइस ना। ये साइन बोर्ड पहले नहीं था, अभी इन लोगों ने लगता है नया डाला है, बट जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, थम्स अप है इसके लिए। और एक और बात बोलना चाहूँगा कि मज़ा बहुत आ रहा है यार हाईवे पर, मतलब एकदम, मतलब सुबह सुबह का जो फ्रेश फ्रेश हवा जो होता है ना, वो बॉडी को जब टच कर रहा है ना, तो मतलब क्या ही बताएं, वो फीलिंग आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो जब आप कभी ऐसा, मतलब आप भी राइड करोगे कभी ऐसे मॉर्निंग में, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस फीलिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब गलत में मत लेना, मतलब कैसा बात कर रहा हूँ, मतलब मेरे अभी जो मैं महसूस कर रहा हूँ ना, जो नेचर के हवा को, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मॉर्निंग पूरी तरीके से हो चुका है और देख रहे हो, मतलब पहले ना ये हाईवे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लगता है इसमें वर्क किया गया, मतलब रोड काफ़ी कहीं कहीं पे रोड जो है यहाँ पे हाईवे का रोड वो डैमेज भी था। और ये जो ग्रिल्स वगैरह आप देख रहे हो साइड साइड में बैरिकेड किया गया, येलो कलर से पेंट किया गया, ये पहले नहीं था, बट अच्छा हुआ कि मैं बाइक से ही आया, सुबह सुबह आया और राइड के बहाने ये सब भी देखने को मिल रहा है कि क्या क्या इम्प्रूव किया गया है हाईवे पर। तो ये बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने, क्योंकि रोड वगैरह है जो हाईवे है उस पर भी काम हुआ है, और प्लस सेफ्टी वाइज देखा जाए तो बैरिकेड भी लगा दिया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और चकिया मधुबन लखनऊ 474 किलोमीटर, क्या मतलब बैक फायर मार रही है मेरी बाइक, ब्रूम ब्रूम कर रही है पूरी तरीके से। थ्रॉटल जब मैं पूरा लेके जब थ्रॉटल डाउन करता हूँ तो बैक फायर मार रही है बाइक। आई थिंक लगता है ना कि इसमें एयर कम है टायर्स में, तो कहीं पे पेट्रोल भी लेना है, देख रहे हो यहाँ पे मीटर पे पेट्रोल के आइकन ब्लिंक कर रही है,
तो पेट्रोल भी लेना है अभी हमें। चलो फिर पेट्रोल पंप पे मिलते हैं और वो तो फ्यूल अप भी करवा ही लेंगे। तो गाइस यहाँ पे भारत का पेट्रोल पंप है, यहाँ पे फ्यूल अप करवा लेते हैं पहले। कोई है कि नहीं यार, नॉर्मल है ना। पेट्रोल टैंक देख रहा भाई, पूरा फुल आउट फुल। अरे पूरा फुल किया नहीं है मैंने अभी, करीबन इसमें 2 लीटर और पेट्रोल आ जाता, बट मैंने रुकवा दिया था क्योंकि फुल टंकी होना भी सही नहीं है बाइक में, क्योंकि पेट्रोल का जो गैस होता है, जो एयर होता है, उसको भी जगह चाहिए निकलने के लिए, बनने के लिए। इसके लिए फुल टैंक आप लोग भी कभी मत करवाना, मतलब फुल आउट ऑफ फुल नहीं करवाना है, कम 1-2 लीटर के लिए स्पेस छोड़ के रखना है। और बस गाइस ये रहा हमारा पहला टोल। चलो भाई टोल पार हो चुका है, देख लो एक बार। देवा गाइस बाइक थोड़ी से भगाए जाए गाइस। ट्रैफिक रूल्स आगे ऊपर में साइन बोर्ड पे आप लोगों ने देखा गया लिखा हुआ था फॉलो ट्रैफिक रूल्स। कुछ ज़्यादा ही मतलब जोश में आ गया था मैं, एनर्जी आ गया था, मतलब मेरे बाइक को जब पेट्रोल मिला ना तो बाइक मेरी पूरी उड़ने के लिए रेडी हो गई भाई। मेरे बाइक ने मुझे कमांड दी कि भाई खींचो मुझे, तो ऐसा कुछ। चलो फिर आगे मिलते हैं आपसे यार, अपना डेस्टिनेशन थोड़ा कवर करते हैं। छपड़ी इसको कहते हैं, छपड़ी। देखिए केटीएम वाले छपड़ी को तो इसे कहते हैं भाई केटीएम वाले छपड़ी, इसीलिए हम लोग बोलते हैं जितने भी केटीएम तो वाले होते हैं सारे छपड़ी के छपड़ी होते हैं। अभी आप लोगों ने देखा इनका छपड़ी बना, एक होता है राइडर, एक होता है छपड़ी राइडर। बिहार मुजफ्फरपुर इधर हम कार्ड बांटने आए थे शादी का, नहीं उठा बेचारे से, विली नहीं उठ पाया, पर कोई बात नहीं, छपड़ी राइडर है। तो गाइस देख लो लोकेशन कितना प्यारा है यहाँ का। और सो गाइस आज की जो वीडियो है ना, वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है, सो मैं आप लोग, मैंने पहले ही बता दिया था कि जो भी वीडियोज़ होगी लेंदी नहीं बनाऊंगा मैं, आपसे शॉर्ट वीडियो ही बनाऊंगा। कुछ दिखाने को जो होगा कंटेंट बस वही शूट करूंगा, उसके बाद रॉ वीडियो करके उसको मैं एडिट करके डाल दूंगा। सो गाइस वीडियो को पूरा देख लेना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, 1K जस्ट कम्प्लीट ही होने वाला है, तो सपोर्ट दिखाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को।
और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। और जिन लोगों ने भी इंस्टाग्राम फॉलो नहीं कर रखा है तो जाओ जाके फॉलो कर लो, और आप लोगों को पूछना है वो आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।